साथियों नमस्कार। साथियों आज हम एक ऐसी जगह दिखाने वाले हैं जो बहुत ही शानदार, आपको देख करके अच्छा भी लगेगा और इतिहास के बारे में कुछ थोड़ा बहुत आपको जानने को मिलेगा। तो ऐसी ये जगह है जो बताते हैं कि 1000 साल पुरानी जगह है, 1000 साल हो चुके हैं और यहाँ पर गांव होता था, यहाँ पर लोग रहते थे और यहाँ पर बहुत सारे जो अवशेष भी दिखाई देते हैं और आज भी वहाँ पर अवशेष है पुराने गांव का। और 1000 साल पुराना उजड़ा हुआ गांव था वहाँ पर, तो वो जगह दिखाने वाले हैं। तो इंटरेस्टिंग शानदार वीडियो है, फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ में। तो साथियों ये सामने जो बबूल दिख रहे हैं तो ये गांव है और बताया जा रहा है कि 1000 साल पुराना गांव है और अभी उजड़ चुका है। और इनसे जानेंगे, ये लोग बैठे हुए हैं। तो ये गांव है, बावनलाल जी आपका नाम क्या है? बावनलाल। अच्छा बावनलाल जी, तो आप बताइए ये गांव है सामने दिख रहा है तो ये कितना साल पुराना होगा और कैसे उजड़ गया ये? 500 साल। अच्छा, और कैसे उजड़ा होगा? प्राकृतिक कोई आपदा वजह होगी और क्या है? अच्छा, डूब क्षेत्र में आता होगा। डूब क्षेत्र में, तो यहाँ पर अवशेष मिलते हैं कि नहीं मिलते आज भी? पुराने पले जो हमारे पुराने पुरखों थे उन्होंने तो अवशेष भी देखे, खुदाई भी की। अच्छा, तो यहाँ पर क्या क्या मिला होगा? हांडिया, पुराने हांडिया। अच्छा, और पर्चा के ये कुंडे भी दिखाई दे रहे थे दिवी दिवी। अच्छा, तो लगभग यहाँ पर कितने लोग रहते होंगे इस गांव में? रहते होंगे 100-200, 500। अच्छा, ये 50 तो 100-200 लोग तो रहते होंगे। और यहाँ पर जो जीवन यापन करते थे, खेती पे निर्भर थे, क्या करते थे? खेती पे निर्भर थे और क्या है। और इधर पास में मेज नदी है तो पानी ले लेते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बावड़ी, बावड़ी भी है, बावड़ी है तो इसके अंदर बावड़ी है पर वह दिखती बजरंगबली का स्थान बताया। अच्छा, तो यहाँ पर मंदिर वगैरह, जिंद बाबा का स्थान है। हाँ, जिंद बाबा का भी है। और जो हम अभी पौधों में काम कर रहे हैं तो मशीन से खुदाई की, उसमें पुराने अवशेष मिलते हैं, मटकी, हांडी वगैरह।